हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे ज्ञान4u यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज दिनांक 13 मई 2019 है और देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला सवाल है, भारत के किस बैंक को 2018-19 की जनवरी मार्च तिहाई में 838.40 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है? पहला है यस बैंक, या दूसरा है कैनरा बैंक, या तीसरा है पंजाब नेशनल बैंक, या चौथा है भारतीय स्टेट बैंक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारतीय स्टेट बैंक। भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक को 2018-19 की जनवरी मार्च तिहाई में 838.40 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है, जबकि वर्ष 2017-18 में इसी तिमाही पर बैंक को 4187.41 करोड़ का घाटा हुआ था। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आईटीसी के पूर्व एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और सीआईओ वाईसी देवेश्वर का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? पहला है 62 वर्ष, या दूसरा है 72 वर्ष, या तीसरा है 82 वर्ष, या चौथा है 95 वर्ष। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 72 वर्ष। आईटीसी के पूर्व एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और सीआईओ वाईसी देवेश्वर का हाल ही में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। उनका जन्म 4 फरवरी 1947 को लाहौर में हुआ था। वो 2 दशक से भी अधिक समय तक आईटीसी के प्रमुख रहे हैं। उसके बाद तीसरा नंबर सवाल है, निम्न में से किस एजुकेशन बोर्ड ने प्रिंसिपल और टीचर्स को नेशनल अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है? पहला है इग्नू, या दूसरा है छत्तीसगढ़ बोर्ड, या तीसरा है सीबीएसईआई बोर्ड, या चौथा है महाराष्ट्र बोर्ड। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सीबीएसईआई बोर्ड। हाल ही में प्रिंसिपल और टीचर्स को नेशनल अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। ये अवार्ड 2 कैटेगरी में होंगे, जो कि टीचर्स डे के अवसर पर 5 सितंबर को दिए जाएंगे। अवार्ड के साथ टीचर्स को मेरिट सर्टिफिकेट 16 और 50,000 कैश रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, सिंगापुर की संसद ने फेक न्यूज पर रोक के लिए नया कानून बनाया है और वह कितने वर्ष की सजा का प्रावधान रखा है? पहला है 3 वर्ष, या दूसरा है 6 वर्ष, या तीसरा है 10 वर्ष, या चौथा है 12 वर्ष। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 10 वर्ष। सिंगापुर की संसद ने हाल ही में देश में फेक न्यूज पर रोक लगाने के लिए नया कानून बनाया है और 10 वर्ष की सजा के साथ साथ 3.77 करोड़ रुपये का जुर्माना का भी प्रावधान रखा है। भारत में अभी तक फेक न्यूज पर रोकने के लिए कोई भी ठोस कानून नहीं बना है। उसके बाद पांचवा नंबर सवाल है, एयर हेल्प के द्वारा जारी की गई दुनिया की टॉप 10 हवाई अड्डों की सूची में कौन सा एयरपोर्ट पहले स्थान पर रहा है? पहला है हमद एयरपोर्ट, या दूसरा है संघाई एयरपोर्ट, या तीसरा है राजीव गांधी एयरपोर्ट, या चौथा है दुबई एयरपोर्ट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमद एयरपोर्ट। एक संगठन एयर हेल्प के द्वारा हाल ही में जारी की गई दुनिया के टॉप 10 हवाई अड्डों की सूची, कतार का हमद एयरपोर्ट पहले स्थान पर रहा है। टॉप 10 सूची में भारत का एयरपोर्ट शामिल हो गए हैं। इस सूची में भारत के हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट 8वें स्थान पर रहा है। उसके बाद छठवां नंबर क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य SDG की प्राप्ति के लिए किसने अभिनेत्री दिया मिर्जा को अपना विशेष दूत नियुक्त किया है? पहला है वर्ल्ड बैंक, या दूसरा है UN, या तीसरा है स्विस बैंक, या चौथा है UNESCO। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा UN। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरास ने हाल ही में सतत विकास लक्ष्य
की प्राप्ति के लिए भारतीय अभिनेत्री दिया मिर्जा को अपना विशेष दूत नियुक्त किया है और साथ ही अन्य 17 मशहूर हस्तियों को विशेष कार्य के लिए चुना गया है। उसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन है, 12 मई को विश्व भर में किस प्रसिद्ध महिला की जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया? पहला है मेरी सिकोल, या दूसरा है कार्ला वर्टन, तीसरा है क्वीन विक्टोरिया, या चौथा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। 12 मई को नोबल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। फ्लोरेंस को द लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आठवां नंबर सवाल है, ब्रिटेन की एक कोर्ट ने किस देश की पूर्व फुटबॉलर स्टार खिलाड़ी डेविड वेकहम पर 6 महीने तक ड्राइविंग करने पर बैन लगाया है? पहला है ऑस्ट्रेलिया, या दूसरा है चीन, या तीसरा है अमेरिका, या चौथा है इंग्लैंड। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंग्लैंड। ब्रिटेन की एक कोर्ट ने इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर स्टार खिलाड़ी डेविड वेकहम पर 6 महीने तक ड्राइविंग करने पर बैन लगाया है और साथ ही कोर्ट ने डेविड वेकहम पर 750 पाउंड यानी लगभग 69,000 रुपये का भी जुर्माना लगाया है। उसके बाद नौवां नंबर क्वेश्चन है, यूएआई की T10 लीग में भ्रष्टाचार के आरोप पर किसने श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ियों जोइसा और अविष्का गुणवर्धन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? पहला है श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड, या दूसरा है बीसीसीआई, या तीसरा है आईसीसी, या फिर चौथा है यूएआई क्रिकेट बोर्ड। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आईसीसी। यूएआई के T10 लीग पर भ्रष्टाचार के आरोप में आईसीसी ने श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ियों जोइसा और अविष्का गुणवर्धन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। साथ ही इन दोनों खिलाड़ियों को आरोपों का जवाब देने के लिए 14 दिनों का समय दिया है। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर अमेरिका ने किस देश के एक मालवाहक जहाज को जब्त कर लिया है? पहला है इराक, या दूसरा है रूस, या तीसरा है उत्तरी कोरिया, या चौथा है दक्षिण कोरिया। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तरी कोरिया। अमेरिका ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर उत्तरी कोरिया के एक मालवाहक जहाज को जब्त कर लिया है। इस मालवाहक जहाज के द्वारा कोयले की ढुलाई की जा रही थी। इस मालवाहक जहाज का नाम वाइज होनेस्ट है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स, कंप्यूटर नॉलेज और फिर जॉब न्यूज के लिए हमारे ज्ञान4u पर बने रहें।